बेटा अभी आप सिलेक्शन हुआ तीनों बच्चों का, तो कहाँ पे हुआ ये, कैसे ट्रायल हुआ था? कितने बच्चे थे इन जो ऑडिशन जिनका लिया? अच्छा, तो इसमें कोई क्राइटेरिया था कि किस क्लास के बच्चे हों? क्लासेस का कोई था क्या इसमें? कितने बच्चे थे टोटल? नौ से दस टीम में थी पूरे हरियाणा से। तो इसका श्रेय किसको देना हो गया? कोच कौन है आपके? तो मेहनत कितनी मेहनत करी करी आपने इसमें? तो कोच पूरा ध्यान रखते हैं आपका। क्या नाम आपका? अच्छा, तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इसका गेम कब होगा? सर अभी हो गया, 3 तारीख को। 3? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को किस जगह होगा? सर पानीपत। ओके, पानीपत में ही होगा। किस जगह? पानीपत सर स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम है। शिवाजी स्टेडियम। मैम आपके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरे बच्चे सिलेक्ट हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। गर्मी की छुट्टियों में जब सूरज तपता है और सब अपने घरों में सोते हैं, मेरे बच्चे उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते थे और मुझे जब उसकी अंदाजा हो गया था कि बच्चे कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेंगे, उन्होंने किया। हरियाणा की टीम में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, जिसमें 10 से 15 टीमें हरियाणा से आई हुई थी और इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चों के बीच में मेरे 3 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही खुश है कि पूरा एरिया ही खुश है यहाँ का, क्योंकि गांव के बच्चे हैं जो इतनी आगे बढ़ेंगे और हरियाणा की टीम में सिलेक्शन होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए भी और यहाँ के गांव के लिए भी। सभी बच्चे हैं जो नॉर्मल परिवार से हैं, ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा बड़े परिवार से हों, और जो इनके कोच ने मेहनत की है उसका रंग आया।